आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में एंड एक बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट जो कि हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है इंडिया में जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप अपने 20s में हैं, अगर आप अपने टीनेज में हैं या अपने लेट 30s में हैं, किसी भी उम्र में आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैं सिर्फ हेयर फॉल की बात नहीं कर रहा, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम या हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशंस बहुत सारे लोगों के साथ में होती रहती है। तो बहुत सारे केसेस में ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है या बहुत सारे केसेस में ये गलत प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की वजह से भी होती है। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में एक प्रोडक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसकी आप लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि भैया आप इस पर रिव्यू कीजिए, बिकॉज कई बार कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं एंड लोग उनको इस्तेमाल करने लगते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन मैटर्स के हेयर गमी के बारे में एंड ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडी है बिकॉज इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं 30 गमीज़ यानी कि और एक गमी आपको डेली खानी है। तो एक बार आप इस प्रोडक्ट को लेंगे तो आपका 30 दिन तक का जो स्टॉक है वो पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअल में वर्क करता है, कुछ इसके फ़ायदे हैं, अगर फ़ायदे नहीं हैं तो क्या आपको लेना चाहिए या कंपनी आपको पागल बना रही है, सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो बने रहिएगा इस वीडियो में। एंड ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को जब आप एंड करेंगे देखने के बाद में तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस प्रोडक्ट के बारे में कि आपको उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। मैन मैटर्स की हेयर नरिश गमी का पैकेट एंड ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बायोटिन, जिंक एंड बहुत सारे मल्टी वाइटमिन्स होंगे। बायोटिन क्या करता है, बायोटिन आपको हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी जिंक एंड मल्टी वाइटमिन जो है आपके बालों को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आपको मिलती है 30 गमीज यानी कि आपको ये 30 डेज की सप्लाई देता है। यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है कि 1 मंथ सप्लाई एंड मेरे पास जो है ये है नेचुरल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, एक दो फ्लेवर और आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जैसे कि मैंने आपको बताया पहले बायोटिन है, मल्टी वाइटमिन है एंड जिंक है, तो इन सभी के जो फंक्शन है वो यहाँ पर अच्छे से लिखे हुए हैं। और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि इसके अंदर क्लियरली बायोटिन इसके अंदर है 5000 mcg, वाइटमिन सी है इसके अंदर 20 mg, वाइटमिन ई है इसके अंदर 10 IU एंड वाइटमिन ए है इसके अंदर 180 mcg एंड जिंक है 1.25। यहाँ पर सभी के RDA लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है। RDA का मतलब यानी कि आपको डेली बेसिस पे कितनी ज़रूरत है। सो वाइटमिन सी इसके अंदर 20 mg है और आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत है 40 mg की। वाइटमिन ई 10 IU है और ज़रूरत है आपको 15 IU की। वाइटमिन ए है 180 mcg जबकि आपको ज़रूरत है 600 mcg की। एंड बायोटिन की इसमें नहीं लिखी हुई है बिकॉज बायोटिन बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है इसलिए वहाँ पे डैश लिखा हुआ है। जिंक का आप देख सकते हैं इसके अंदर 1.25 mg है लेकिन आपको 12 mg चाहिए, ऑलमोस्ट इसके अंदर 10% ही है तो इसके अंदर जिंक की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इसका जो नेट क्वांटिटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं 120 ग्राम्स है 30 गमीज की एंड जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सपायरी डेट आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल की मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो 1.5 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको सिर्फ एक गमी लेनी है डेली, वो भी खाना खाने के बाद में। और अंदर से मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कैसी लिखती है। तो मेरे पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 गमी बाकी हैं। सो मैंने इसको अच्छे से ऑलमोस्ट 1 महीना यूज़ किया है, उसी के बाद में ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो 27 गमीज मैं कंज्यूम कर चुका हूँ अब तक और 3 बाकी रह गई हैं अभी। सो अब इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं कि यार क्या सच में ये कुछ हेल्प करती है आपके बालों को की रीग्रोथ में या बालों को मजबूत बनाने में, चलिए बात करते हैं। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा ऑन पेपर इस प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेंगे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में इसकी बात करें तो मैंने इस प्रोडक्ट को पूरा 30 दिन यूज़ किया है एंड मुझे इसके कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले अपने हेयर्स में देखने को। एंड फिर मैंने एक पैकेट ऑर्डर किया मेरे एक कज़िन के लिए जिनको भी हेयर फॉल का इशू था एंड उनको भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले, बिकॉज कई बार होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए वर्क नहीं करते हैं। सो 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिर मैंने एक और मैंने अपने एक क्लाइंट है जिनको ऑर्डर करवाया बिकॉज ये मेरे से पूछ रहे थे और उनको ये प्रोडक्ट लेना था। सो मैंने उनको ये नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी बात सुनने वाले नहीं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्विंस थे इस प्रोडक्ट को लेके, तो उन्होंने उसको परचेज किया एंड मैंने 30 दिन बाद जब उनसे रिव्यू लिया
तो उनका कहना भी यही था कि ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। अगर मैं आपको रियल लाइफ की बात बताऊं तो यार ये प्रोडक्ट सिर्फ एक स्वीट कैंडी की तरह है, क्योंकि उसको आप खा लें जैसे गमी की टॉफ़ी आती है, जो फ्रूट जेली वाली टॉफ़ी आती है, कुछ उस तरह का टेस्ट है इसका एंड दिखती भी कुछ उसी तरह की है, गमी है और कुछ खास इसके रिजल्ट्स नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पर लिखा हुआ है कि ये शुगर फ्री गमी है, लेकिन अगर आप इसको जब खाएंगे तो इसमें काफ़ी अमाउंट में जो शुगर है, सो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा शुगर से प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ये शुगर फ्री है जबकि ये शुगर फ्री नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि नो आर्टिफिशियल शुगर एडेड, बट ऐसा नहीं है, इसके अंदर शुगर डाली गई है। सो डायबिटीज़ वाले इस प्रोडक्ट से दूर रहें। एंड 30 डेज इसको ट्राई करने के लिए बहुत थे, बिकॉज 30 गमीज आती हैं। सो मैंने इसको जब एक महीना मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला तो मैंने वापस इसको ट्राई नहीं किया, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता। एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग में भी एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है कि कुछ 100-200 रुपये में आ जाता है, एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट। सो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप इसको लेना की सोच रहे थे या लेना चाह रहे थे सो आपको उसको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये किसी काम का नहीं है और ये कोई काम भी नहीं करता। सो अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे तो इससे अच्छा आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स कौन से हैं उनके लिए एक लिंक दी है आपको डिस्क्रिप्शन में कि आपको कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए अपनी हेयर ग्रोथ के लिए। एंड अभी रिसेंटली मैंने जो आपका मिनिमलिस्ट ब्रांड का हेयर ग्रोथ जो सीरम है जो अभी नया लॉन्च हुआ है उसके रिव्यूज़ भी मैंने काफ़ी पॉजिटिव लोगों से सुने हैं एंड बहुत ही जल्दी हम उसका रिव्यू करेंगे। सो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक उसका इस्तेमाल किया है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली एक रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा उसके ऊपर और आप लोगों से शेयर करूँगा कि कैसे हैं इसके रियल लाइफ रिजल्ट्स। लेकिन मैंने अभी तक जहाँ भी देखा है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं लोगों को, तो आप उसको भी एक बार कंसिडर कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहते हैं। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है वो सीरम, और एक बार आप परचेज कर लेंगे तो एक से डेढ़ महीना इजीली जो है चलने वाला है। तो मैं लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस सीरम का, एंड जो प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसका वीडियो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। एंड देखने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए ज़रूर आप ऑर्डर कीजिएगा, बिकॉज वो वन ऑफ द बेस्ट हेयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर किसी इंसान के लिए वर्क करते हैं। सो अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम फिनस्ट्राइड लें या मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करें, तो मैं उनको यही बोलता हूँ ये सब चीज़ें आप तब यूज़ कीजिए जब आपके पास कोई भी जो है बोलते हैं ना चारा नहीं रह गया, तभी आप उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मिनोक्सिडिल का एक प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ में शेडिंग फेस आता है, जो कि आपके बाल हैं 70-75% बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो अगर आपको इतना सीवियर हेयरफॉल होगा उसको यूज़ करने के बाद में तो आप लोग घबरा जाएंगे। वैसे घबराने की बात नहीं है, बिकॉज धीरे धीरे वो बाल वापस आने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और जिस ब्रांड का होता है उसको गालियां देने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे बालों को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है, ऐसा नहीं है। सो अगर आप मिनोक्सिडिल वगैरह यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि आपको कभी भी उसको अपने जैसे लंबे बाल हैं उनमें इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज फिर आपको लोग टोकेंगे कि यार आपके बाल इतने थिन आउट कैसे हो गए। तो एक बार हेड शेव कीजिए एंड मिनोक्सिडिल फिर आप यूज़ कीजिए, तभी आपके लिए सही रहेगा। एंड 3 से 4 महीने आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना पड़ेगा। एंड फिनस्ट्राइड मैं बोलूँगा अगर आप टीनेज में हैं तो ना लीजिए, बिकॉज उससे बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ऐसे केस में मैं नहीं चाहता आप में से किसी को ये चीजें फेस करनी पड़े, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा एंड इस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल मत जाइएगा। और कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए आपकी हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डाइट की वीडियो भी देख सकते हैं, आप हेयर प्रोडक्ट्स की भी वीडियो देख सकते हैं। सो आपको एक कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट मिल जाएगा फ्री में मेरी तरफ से। सो आज की वीडियो में तो इतना ही था। इफ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।